तो भाई सबसे पहले तो आप ये देखो, एक फालतू सी रील यहाँ पे डाली हुई है और इस फालतू सी रील पे 400 स्टार मिले हुए हैं। कितने? 400 स्टार। और इन 400 स्टार की कीमत होती है कितने? इस रील से इस बंदे ने कितने रुपए कमा लिए? 32,000 रुपए कमा लिए हैं। मतलब एक ये फालतू सी रील डाली है और इस रील को डालने की वजह से लोगों ने भाई इस रील पे 400 स्टार दिए हैं इस बंदे को। और इसने कितने रुपए बनते हैं? 400 स्टार के 32,000 रुपए करीब बनते हैं। तो इतने सारे पैसे आप भी कमा सकते हो फेसबुक से। दोस्तों आप यहाँ पे फेसबुक की अगर आपकी प्रोफाइल है तो आप उसको प्रोफेशनल मोड में बदल के आप भी इस तरीके से स्टार वाले ऑप्शन से पैसे कमा सकते हो, या फिर आपका पेज है तब भी आप स्टार से पैसा कमा सकते हो। तो बस वहां पे चाहे आप पोस्ट डालना चाहे आप रील्स डालना, आपको लोग जिस तरीके से स्टार में पैसे यहाँ पे दिए हुए हैं तो आपको भी इसी तरीके से लोग स्टार में पैसे देंगे। आप ये स्टार वाला ऑप्शन किस तरीके से एनेबल कर सकते हो या फिर मोनेटाइजेशन सेटअप क्या है वो आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा समझाऊंगा। तो बस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, आपको सभी कुछ पता चल जाएगा कि भाई स्टार मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन क्या है, क्या क्राइटेरिया है और किस तरीके से आपको इसे एनेबल करना है। तो सभी कुछ आपको पता है, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा लो ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले देखो यहाँ पे काफी सारी रील आ रही है और जितनी भी रील मैं देख रहा हूँ सभी पे लोगों ने स्टार वाला जो ऑप्शन है उसको ऑन कर रखा है। अगर आप इसे स्टार किसी की भी रील देख रहे हो और स्टार वाला ऑप्शन आता है तो स्टार वाले ऑप्शन पे लोग क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को पैसे दे सकते हैं। तो आपको 80 रुपए लगभग यहाँ पे इस तरीके से जाता है, लगभग $1 आपको मिलता है जिसमें 99 स्टार आप लोगों को मिलते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये स्टार वाला ऑप्शन एनेबल कर रखा है उनको ही सिर्फ रील या पोस्ट डालने पे पैसा मिल रहा होगा। तो आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपनी फेसबुक में जाना है। अगर आपके फेसबुक प्रोफाइल है तो आपको उसे सबसे पहले तो उसे किसे कन्वर्ट करना होगा? अपनी फेसबुक प्रोफेशनल डैशबोर्ड में। तो जैसे कि मैंने भी यहाँ पे कन्वर्ट कर रखी है अपनी फेसबुक को प्रोफेशनल डैशबोर्ड में। देखो प्रोफाइल वाली है और यहाँ पे इसको मैंने प्रोफेशनल मोड में डैशबोर्ड में बदल रखा है। तो आपको क्या करना है सीधा सीधा, अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से प्रोफेशनल मोड ऑन करना है तो मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, आप वो जाके देख लो। सबसे पहले प्रोफेशनल मोड में इसे ऑन कर लो। तो अब जैसे आप प्रोफाइल पे आ जाते हो, प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है व्यूज टूल्स वाला। तो व्यू टूल्स वाला जो ऑप्शन है बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही यहाँ पे आपको देख लो काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्टार वाला। तो आपको ये स्टार वाला ऑप्शन तभी दिखेगा जब आपके यहाँ पे फेसबुक पे फॉलोअर आपके मतलब 1,000 होने चाहिए। इसका क्राइटेरिया ये है, आपके जो फेसबुक प्रोफाइल है या फिर आपका फेसबुक पेज है उस पे आपके 1,000 फॉलोवर्स होने जरूरी है तभी आप लोग इसको यहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, तभी आप इसे ऑन कर पाओगे। अभी ऑन किस तरीके से करना है बताऊंगा, लेकिन ये तो थी मेरी भाई प्रोफाइल जिस पे मुझे मिला हुआ। इसी तरीके से मैं अपने पेज पे लेके चलता हूँ आपको कोई से भी। जैसे कि मेरा एक पेज है, इस पे भी आपको ये पेज भी अगर आपका पेज पे भी आपको ये वाला ऑप्शन में देखने को मिल जाए प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे। यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो यहाँ भी स्टार वाला ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे मैं स्टार वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 1,000 फॉलोवर दिखा रहा है कि आपको 60 दिन के अंदर 1,000 फॉलोवर आपके होने चाहिए 60 डेज में। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पहले से 1,000 फॉलोवर हैं तो आपका कोई नहीं, चल जाएगा, आपको यहाँ पे स्टार वाला ऑप्शन मोनेटाइज हो जाएगा आपका, चाहे वो 60 दिन में चाहे 1 साल में भी हो रहे हो आपके, लेकिन वो आपको मिल जाता है। तो देखो इस तरीके से लिखा हुआ है आपके 1,000 फॉलोवर होने चाहिए उसके बाद ही आप कर सकते हो। तो पेज के लिए तो आप 1,000 फॉलोवर करके यहाँ पे कर ही सकते हो, लेकिन मैं लेके चलता हूँ अपनी प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जैसे आऊंगा व्यू टूल्स पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार वाला जो ऑप्शन है वो देखने को मिल ही जाता है। अब जैसे आप स्टार वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देता है कि आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो वो भी स्टार में। जी हाँ, तो फेसबुक का एक यहाँ पे स्टार वाला ऑप्शन है जिसमें आपको लोग आपको पेड करेंगे, मतलब पैसा देंगे, आपके जितने भी फैंस होंगे वो आप चाहे रील डालोगे या फिर पोस्ट डालोगे उस पर आप लोगों को पैसा मिलेगा। तो ये मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए आपको ये करना है, गेट स्टार वाला जो ऑप्शन है बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते आपको दिखा देगा कि आपको क्या क्या डिटेल यहाँ पे देनी है। तो सेटअप अकाउंट यहाँ पे पे आउट अकाउंट आपको करना है। सबसे पहले अपना जो फर्स्ट नेम यहाँ पे लीगल आपका नेम है वो डालना है जो आपका बैंक वगैरह में भी है। उसके बाद लास्ट नेम आपको डालना है जो आपका लास्ट नेम होता है, मतलब जैसे कि खान लगाते हो या फिर कुछ और लगाते हो, कुमार लगाते हो, जो भी आपका लास्ट नेम वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, डेट ऑफ बर्थ जैसे डालोगे उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे आ जाती है कंट्री। ये सभी कुछ डालने के बाद जैसे मैं डाल देता हूँ, तो मैं सभी कुछ जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा उसके बाद मैं अपनी जो कंट्री है इंडिया उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। भाई यहाँ पे इंडिया आ गया, उसके बाद मैं नीचे यहाँ पे देख लो नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ चुका है। तो नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे सभी कुछ डिटेल डालने के बाद उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा इंटर बिजनेस इन्फॉर्मेशन। अब इसमें क्या डालना है आपको, सबसे पहले आपकी कंट्री सिलेक्ट हो रही है, नीचे आ रहा है बिजनेस टाइप कि आपको किस तरीके का अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है बिजनेस टाइप, और यहाँ पे आपको जो है देख लो बिजनेस टाइप अकाउंट है, यहाँ पे इंडिविजुअल है, तो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है इंडिविजुअल अकाउंट आपको बनाना है, सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट करना है। तो इंडिविजुअल टाइप आपको हमें बनाना है, तो सीधा सीधा उसके बाद
अपन नेक्स्ट करना है। अब जैसे नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करते ही आपके सामने कुछ और इन्फॉर्मेशन लेगा, तो अपन सेटअप यहाँ पे पे आउट अकाउंट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा नाम आ रहा है, फिर लास्ट नेम आ रहा है, यहाँ पे जो मिडिल नेम आ रहा है इफ एप्लीकेबल तो ये डालना चाहते हो डाल सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, उसके बाद अपना आपको एड्रेस डालना है, जो आपका एड्रेस है प्राइमरी एड्रेस, जो आपका सही एड्रेस है वो डालना है। उसके नीचे आओगे तो सिटी, अपनी जो सिटी होती है आपकी वो डालनी है। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट आपको डालना है, उसके बाद अपना जिप कोड डालना है, मतलब पिन कोड, जिप कोड वही होता है। उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर अपना डालना है, उसके बाद आपको अपनी ईमेल डालनी है। ये सभी कुछ डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, और नीचे आओगे तो सबसे नीचे ईमेल के नीचे आप नीचे और आओगे तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, पेमेंट अकाउंट नंबर, मतलब पैन कार्ड अकाउंट नंबर, आपको जो पैन कार्ड का नंबर होता है वो आपको इसमें लगेगा, तो पैन कार्ड नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है। नीचे आओगे तो जीएसटी नंबर भी आपसे मांग रहा होगा, लेकिन आपको जीएसटी नंबर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑप्शनल ऑप्शन है। तो ये सारा कुछ डालने के बाद ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ये नहीं डालना है, बस जो जीएसटी नंबर है ये आपको नहीं डालना है, इसकी जरूरत नहीं। उसके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा राइट वाला, तो राइट टिक पर आपको क्लिक करना है और ये सारा एड्रेस डालने के बाद नेक्स्ट कर देना है। तो मैं भी डाल देता हूँ, तो सभी कुछ मैंने भी यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करता हूं। जैसे नेक्स्ट करोगे तो सेटअप हमारा पे आउट अकाउंट जो है वो हो चुका है। उसके बाद जो आपको यहां पे और ऑप्शन देखने को मिलेगा वो आएगा चूज, यहां पे आपको दो ऑप्शन आ रहे होंगे, यहां पे एक मैनुअली बैंक अकाउंट या फिर आपको पेपल अकाउंट यहां पे आप लिंक कर सकते हो, मतलब आपको जो स्टार में पैसे मिलेंगे वो आपको अपने कहे में लेने हैं, बैंक अकाउंट में लेने हैं या फिर आपको पेपल अकाउंट में लेने हैं, तो आपको ये दो ऑप्शन आ रहे होंगे, तो आप मैनुअली लिंक बैंक अकाउंट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट जो है उसको लिंक कर सकते हो। यहां पे अपनी बैंक अकाउंट की अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी आपको, जैसे कि यहां पे सबसे ऊपर में कि अकाउंट होल्डर नेम, आपका बैंक में क्या नाम है, उसके बाद यहां पे स्विफ्ट कोड आता है, स्विफ्ट कोड आपको आपके बैंक में जाके मिल जाएगा अगर आपको नहीं पता है, या फिर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो कि भाई आपके यहां पे जो जहां पर रहते हो वहां का स्विफ्ट कोड क्या है बैंक का, ठीक है। ये स्विफ्ट कोड आपको डालना रहता है, वो स्विफ्ट कोड अगर आपको आईएफएससी कोड होता है और एक स्विफ्ट कोड होता है, स्विफ्ट कोड अलग होता है, जो बाहर से पेमेंट आती है दूसरे देश से वो इसी से आती है, ठीक है। ये आपको स्विफ्ट कोड या तो बैंक से मिलेगा या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। दूसरी चीज यहां पे आपको उसके बाद अपना अकाउंट नंबर डालना है जिसमें आपको पैसा चाहिए, ठीक है। नाम, अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड डाल के बस अपने यहां पे लिंक वाले एक लिंक पे आउट पे बस क्लिक कर देना है। आप जैसे ही लिंक कर दोगे आपका पे आउट लिंक हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या रहेगा वो मैं आपको समझाता हूं, बाकी और भी ऑप्शन देते हैं इसमें। ये जैसे आप लिंक कर लोगे लिंक हो जाएगा, उसके बाद आपसे मांगेगा ये ऐड टैक्स इंफॉर्मेशन वाला एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहां पे टैक्स इंफॉर्मेशन आप अपनी ऐड कर दो। उसके बाद यहां पे ऐड टैक्स इंफॉर्मेशन पे बस क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने और अगला ऑप्शन आ जाएगा। अब अगले ऑप्शन में आपको इंडिविजुअल आपको सिलेक्ट रहेगा, नीचे आएगा आर यू यूएस सिटीजन, उस पर आपको नो पे क्लिक करना है। फिर देखोगे यहां पे दूसरे ऑप्शन पे, दूसरे ऑप्शन पे भी आपको नो पे क्लिक करना है, तो इन पर दोनों पे नो पे, नो पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे आप नो नो पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको नेक्स्ट का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे यहां पे आपको जो है उसके नीचे आपको यहां पे अपनी कंट्री सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो यहां पे कंट्री वाला जो ऑप्शन है सिटीजनशिप वो आपको यहां पे जो है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप इस पर आपको क्लिक करके अपनी यहां पे कंट्री सिलेक्ट करनी है। तो मैंने इंडिया यहां पे सिलेक्ट कर ली है, तो आपको भी यहां पे इंडिया डाल के बस इतना काम करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। अब आपके बाकी नीचे आपका एड्रेस आ गया होगा, तो नेक्स्ट जैसे ही करोगे एड्रेस आएगा, तो एड्रेस वाले बटन पे बस आ गया होगा सभी कुछ डिटेल आपकी जो जो आपने भरी है, फिर नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहां पे जो है काफी सारे और ऑप्शन आ गए होंगे कि प्रोवाइड एडिशनल यहां पे जो है डिटेल्स, जैसे कि बस यहां पे 0% वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। 0% वाले पे जैसे क्लिक करोगे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहां पे जो है नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर जैसे करोगे आपको अगले ऑप्शन पे ले जाएगा। फिर एक टिक मार्क वाला ऑप्शन आएगा, टिक मार्क वाले ऑप्शन पे बस आपको राइट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे फिर आपको नेक्स्ट कर देना है, तो यहां पे आपको एक सिग्नेचर करना रहेगा। जैसे टिक मार्क वाला ऑप्शन आता है तो आपको थोड़ा नीचे करना है, स्क्रॉल डाउन करके वापस से एक टिक मार्क आएगा उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको एक सिग्नेचर यहां पे टाइप योर फुल नेम, मतलब जो अपने आपका फुल नेम सही है जो अपने शुरू में डाला था फुल नेम वो आपको यहाँ पे डालना है। जो भी आपका सिग्नेचर यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर टाइप फुल नेम आपको बस इसमें लिख देना है अपना, तो वहां पे सिग्नेचर करके बस यहाँ पे आपको नीचे आपको डेट आ रही होगी किस दिन आप अप्लाई कर रहे हो, और ऊपर में बस आपको सिग्नेचर वाला ऑप्शन होगा, तो बस सिग्नेचर पे क्लिक करके नेक्स्ट आपको कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट कर दोगे आपका सीधा सीधा आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा, और आप यहाँ पे मोनेटाइजेशन जो आपकी स्टार वाली वो एनेबल हो जाएगी। बस आपका अकाउंट अभी उसके बाद रिव्यू में जाएगा, यहाँ पे फेसबुक उसे रिव्यू करेगा, और रिव्यू करने के बाद वो आपका इसे अनेबल कर देगा। और जैसे ये अनेबल कर देता है तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखने लगा है कि आपकी स्टार में कितनी अर्निंग हुई है, और ये फिर आपकी पेज है तो आपकी वैसे अर्निंग इतनी हुई है। अभी आपके पैसे किस तरीके से आते हैं, जब आपके $100 यहां पे हो जाएंगे, एक यहां पे अगर कोई आपको स्टार देता है एक स्टार, तो लगभग आपको $1 मिलता है, मतलब ₹82 के करीब आपको मिलते हैं, 99 स्टार आपको मिलते हैं। तो जब वो आपके पैसे यहां पे लगभग $100 हो जाएंगे जो आपने बैंक लिंक कराए, तो $100 होते ही वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा फेसबुक, जैसे आपके पास
400 डॉलर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जाके आप फेसबुक मोनेटाइजेशन सेटअप जो है वो पूरा कंप्लीट कर सकते हो। एड इन्फॉर्मेशन, टैक्स इन्फॉर्मेशन मैंने आपको फुली यहाँ पे डिटेल में समझा दिया है किस तरीके से जाके आप अपने अकाउंट को यहाँ पे जो है मोनेटाइजेशन कर सकते हो, जो कि स्टार वाला। तो स्टार वाले जाओ, इस तरीके से सभी अपने अकाउंट को यहाँ पे रेडी कर लो जाके, और तो स्टार से पैसा जाके कमाना स्टार्ट कर दो। रील डालो, पोस्ट डालो, सभी पे आपको स्टार मिलेंगे जिसमें आपको लगभग $1 मिलता है। तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लोग जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया कि भाई एक वीडियो से 32,000 कमा रहे, तो आप भी कमा सकते हो। तो जाओ इस तरीके से इसे ऑन कर सकते हो, सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो बस ये आज की वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी वीडियो अपडेट लाके देता रहूंगा। थैंक यू।